सोहे तो गई स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर आपने एक चीज़ नोट की होगी अडानी ग्रुप के शेयरों में आज हमें जो ना भी एकदम से गिरावट देखने को मिली थी ठीक है और सभी स्टॉक्स लगभग हमें जो ना अभी करेक्शन की तरफ जाते हुए नजर आए थे अभी के टाइम तो फिर से स्टॉक में जो ना अभी गिरावट पॉजिटिव गिरावट पॉजिटिव अडानी टोटल गैस है ये भी डंप हो गया था लेकिन अभी के टाइम आपको फिर से ये पॉजिटिव आते हुए नज़र आ रहा है तो ऐसे में पब्लिक के कमेंट आ रहे हैं आखिरकार ये डंप क्यों हुए एकदम से फिर उसके बाद फिर से स्टॉक्स में रैली बनी है ठीक है तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे जैसा कि अडानी ग्रीन एनर्जी है सबसे पहले नोट कीजिए अडानी ग्रीन एनर्जी छः परसेंट के करीब टूटा था भाई छः परसेंट के करीब अडानी ग्रीन एनर्जी टूटा अभी के टाइम जो ना अभी तेजी जो ना भी नहीं है लेकिन एक परसेंट के आसपास गिरावट जरूर है यानी जो ते, जो गिरावट हुई थी उसे स्टॉक ने रिकवर कर लिया है भाई ठीक है उसके बाद आप लोग देखोगे अडानी पावर है ये भी डंप होते हुए नज़र आए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है ये भी डंप होते हुए नज़र आया तो इन शेयरों में करेक्शन एकदम से बनते हुए नजर आई और हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक ही बात बोली जो शॉर्ट टर्म वाले निवेशक थे पता भी स्टॉक 50 परसेंट प्लस उछल चुके हैं तो जिस भी निवेशक ने नीचे के भाव से स्टॉक को पिक किया था उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है तो वो क्या करेंगे वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएंगे ही जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ गए हैं जिसकी वजह से आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप के शेयरों में सुबह सुबह करेक्शन भी देखने को मिली अभी भी देखो भी कुछ एक शेयर है जो पॉजिटिव है जैसे कि अडानी टोटल गैस है पाँच छः के करीब भागा हुआ है लेकिन ये स्टॉक भी आप लोग देखोगे नीचे में हमें जो ना अभी लगभग ग्यारह सौ दो रुपये तक जाते हुए नजर आया था इसमें भी हैवी करेक्शन बनी थी भी ठीक है उसके बाद जो अडानी पावर है अडानी पावर भी हमें जो ना अभी टूटते हुए नजर आया ठीक है तो इन शेयरों में गिरावट जो हुई थी वैसे भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि पाँच तक जो ना अभी अडानी पावर गए कि स्टॉक्स में जो ना भी करेक्शन बन सकती है आज के दिन एक तो आप लोग देखो कुछ एक अपडेट्स ही ऐसी आई थी भी एक तो जो उद्धव ठाकरे वाली जो न्यूज थी वो प्रोटेस्ट करने के बारे में बोल रहे थे कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जो है ना प्रोटेस्ट करेंगे और क्यों करने जा रहे हैं वो धारावी वाला जो इनका प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ उनको कुछ, कुछ, कुछ हाथ लगा हुआ तभी उन्होंने ऐसा फैसला उठाया है तो आप लोग देखोगे ये सारी चीज़ें कब निकल कर आ रही है ये चीज़ें तब निकल कर आ रही है जब अडानी ग्रुप हमें जो, जो ना भी एक अच्छी खासी रिकवरी पर दिखाई दे रहा है देखो भाई जिसको क्वार्टर थ्री तक होल्ड करना है या दो तक होल्ड करना है उन्हें थोड़ी मोटी गिरावट से कोई परवाह नहीं है ठीक है और ऑपरेटर गेम भी स्टॉक्स के अंदर चल रहा है आज ये साबित हो गया अभी आज भी हुआ और पहले भी साबित हुआ है देखोगे अडानी ग्रीन एनर्जी कितना टूटा छह परसेंट के करीब टूटा भाई और छह परसेंट टूटने के बाद स्टॉक में जो ना अभी चार परसेंट के करीब की रिकवरी आ गई है ठीक है अडानी टोटल गैस है कहां पर ओपन हुआ छः सात परसेंट पर हमें जो ना अभी तेज़ी बनते नजर आई उसके बाद ये स्टॉक भी आप लोग देखोगे नीचे में डंप हुआ छः परसेंट की तेजी के बाद भी स्टॉक नीचे गिरावट में गया फिर उसके बाद स्टॉक में अभी के टाइम पाँच छः परसेंट की तेजी फिर से बनी हुई है तो भैया पूरा का पूरा मामला आपके सामने है एनडी टी वी है छः सात परसेंट एक क्रीप डंप हो गया फिर अब ऊपर आ गया है अडानी विल मार है दो तीन परसेंट ए क्रीप डंप हो गया फिर ऊपर आ गया है तो भाई ये सारा माहौल जो ना आपको समझ में आ रहा है गर्मा गर्मी वाला है तो यहाँ पर देखो भी फ्रेश इंट्री की कोई माहौल नहीं है तब तक स्टॉक ये कंसोलिडेट नहीं करने लग जाते या फिर जो ना भी एक पर्टिकुलर रेंज में हमें टिकते हुए नजर नहीं आते भाई ठीक है मेरी तो हिम्मत नहीं है ऐसी मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ना भी इन शेयरों के अंदर पैसा लगाने की ठीक है बिल्कुल भी नहीं है तो आपको थोड़ा समझदारी के साथ काम लेना है ठीक है तो यहाँ पर अगर जिनकी होल्डिंग है तो करेक्शन के पीछे का रीजन आपका क्लियर हुआ होगा तो चलिए भी एक खबर भी है डानी ग्रीन की रिगार्डिंग वो क्या वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें जो ना ये अपडेट देखने को मिली है जहां पर अभी सुबह सुबह की अपडेट है नौ बजकर अट्ठाइस मिनट की आठ दिसंबर और यहाँ पर हमें क्या पता चला है कि अडानी ग्रीन ने जो ना अभी सात सौ पचास मिलियन यूएस डॉलर बॉन्ड चुकाने की जो ना योजना बनाई है ठीक है तो कंपनी के ऊपर आपको पता है भाई इसके 750 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास का जो बॉन्ड है वो जो कंपनी वो चुकाने का जो प्लान है वो बना चुकी है इनकी योजना आ चुकी है तो ये सुबह सुबह अपडेट आते हुए नजर आई है भाई तो यहाँ पर देखोगे अडानी समूह की सौर ऊर्जा इकाई अडानी ग्रीन एनर्जी ने अगले साल दे सात मिलियन डॉलर के बॉन्ड के लिए जो ना नई जो अपनी पुनर्भुगतान योजना का अनावरण किया है और अपनी बॉन्ड सॉरी कंपनी बॉन्ड के हामीदारों द्वारा प्रदान किए गए लगभग छः मिलियन यूएस डॉलर के फंडिंग पत्र का जो उपयोग करके नियत तारीख तक नोटों को पूर्ण रूप से भुना लेगी और इसके अतिरिक्त कंपनी पुनर्भुगतान राशि बनाने के लिए इक्विटी लेन देन आय का उपयोग करेगी और बॉन्ड ने अपनी रैली को बढ़ाया है जो अप्रैल 2022 के बाद से आप लोगों अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद से अडानी समूह के जो अधिकारियों ने निवेशकों को विश्वास बहला जो बहाल है करने के लिए कई उपाय किए तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे अभी कंपनी की तरफ से ये ऐलान हो चुका है कि इनके जो 750 मिलियन जो डॉलर का बॉन्ड जो डॉलर का बॉन्ड है वो ये जो कंपनी है वो उसके चुकाने के लिए अपनी योजना बना चुकी है तो ये खबरें सामने आई जो कि बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है अभी अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए तो देखो भाई अडानी ग्रुप के अंदर अभी के टाइम जो माहौल वो बिल्कुल गर्मा गर्मी वाले हैं ठीक है बाय होल्ड सेल के कहीं पर भी कोई भी जो ना भी रास्ते निकल कर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा संभल के चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा अगर जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं बैठे रहिए और बाकी मैं जो ना अभी हमारी कल की वीडियो में लेवल्स वगैरह भी दे चुका हूँ या फिर आप भी जो अभी चार्ट के ऊपर इसका जो पीछे कालो है उसे पकड़ के चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो